वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ काम था जी? वो कल हमने सुना कि आप लोग मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? नजमा की वजह से आपको मोहल्ला छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, नजमा उनके सामने कभी नहीं आएगी। जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती नहीं है हमारे भांजे को, एक नंबर का जिद्दी है। अब अगर उसने ठान लिया ना मोहल्ला छोड़ने को तो छोड़ के रहेगा। आप कहें तो हम माफी मांग ले उनसे, नजमा की तरफ से। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, और हम पे कोई तरस खाए मामू, हमें बर्दाश्त ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आप इसमें बिल्कुल मत पड़िएगा। आपने कुछ कह दिया तो वो तो और जिद भी आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं उसे समझाने की, देखिए क्या होता है। मामू। हाँ आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज, हम चलते हैं वरना फिर से भड़क जाएगा वो। मरियम। जी भाभी। क्या कर रही हो? जी हम कपड़े धोने जा रहे थे। अरे तुम रहने दो कपड़े, रहमत खाला धो देंगी। कुछ और काम था? हाँ वो बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी थी, कल लास्ट डेट थी, हमारे दिमाग से निकल गया। तुम चली जाओगी स्कूल? जी हम बाबा के अब्बू को कुछ काम था इसलिए वो जा नहीं पाए। हम भी चले जाते लेकिन तुम तो जानती हो ना, धूप में हमें चक्कर आने लगते हैं। और अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो तीन बच्चों का अलग से 300 रुपये फाइन देना पड़ेगा, और इस महंगाई के ज़माने में तुम पैसों की कीमत तो जानती हो। ठीक है हम चले जाते हैं। सुनो मरियम, सबा के अब्बू को इस बात का पता ना लगे, तुम तो जानती हो उन्हें इस तरह घर की औरतों का बाहर जाना पसंद नहीं है। जी रुकी 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 रुकी, यहीं उतरेंगे या आगे ले चलो? यहीं उतरना है। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने आपके लिए कबाब पराठे बनाए हैं। अब आपके यहाँ तो कोई खाना बनाने वाली है नहीं, तो हमने सोचा हम ही बना दें। हम नाश्ता कर चुके हैं आप। तो क्या हुआ, रख लीजिए, खाने में खा लीजिएगा। और वैसे भी हमारे हाथ के कबाब पराठे तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। देखिए हम बाहरी खाना खाते हैं और हमें देर हो रही है, स्कूल जाना है। लेकिन अच्छा हुआ, बढ़िया ही कबाब पर आंठे बना के खिलाने वाली। जी? लगता है आपकी बाइक खराब हो गई है, शायद आपने हमें पहचाना नहीं। हम नाइमा हैं, ये हमारी बाजी का घर है, और आप हमारी बाजी के नए पड़ोसी, तो हमारे भी पड़ोसी ही हुए ना जी। लगता है बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है या कार्बोरेटर में कचरा। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता, दरअसल हमारे भाईजान है ना, उनके पास भी बाइक है, तो हमें बाइक के बारे में सब कुछ पता है जी। आपके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, कुंवारे हैं आप। कैसा इत्तेफाक है ना, हमारी भी शादी नहीं हुई और हमारे भाईजान भी हमारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए हमें स्कूल के लिए देर हो रही है, हमें जाना है।
आजाद। सुनिए, अल्लाह, कुछ तो बात है इनमें। अल्लाह नईमा जी। बाजी अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्या कर रही थी, कब आई? हाय अप्पी, अभी ना आपके नए पड़ोसी दिखे थे। अल्लाह कितने शर्मीले हैं, ठीक से बात भी नहीं करते वो। चुप कर, तुम्हारे नौशे भाई को पता लग गया ना तो तमाशा खड़ा कर देंगे। खबरदार, आगे उस शराबी के आसपास भी दिखी दो। चलो अंदर। कितनी बार समझाएंगे पता नहीं इस लड़की को। अमीनाबाद 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 अमीनाबाद। हाँ भाई साहब बैठिए ना। अरे मैया क्या हुआ, जाना तो अमीनाबाद ही है ना आपको। हाँ लेकिन आप जाइए भाई साहब, सोच कर आइए, बैठे ना। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, हम दूसरा कर लेंगे। देखिए भाई साहब, यहाँ पर बहुत देर तक कोई रिक्शा नहीं आता है, शेयरिंग में ही रिक्शा चलते हैं। अगर पर्सनल में लोगे तो बहुत आपको महंगा पड़ जाएगा, काफी देर देर के बाद यहाँ पर रिक्शा आते हैं। अरे भाई साहब बैठ भी जाओ, हमें क्यों देर करा रहे हो। अरे आ जाओ। हम नईमा से बात कर लेंगे, उसे समझा देंगे, आप फिक्र ना करें। जी हम जी। नईमा भी किससे आंखें चार हो रही हैं? कुछ नहीं खाला, हम तो बस गली देख रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे मोहल्ले की गली इतनी खूबसूरत है जिसमें तुम आंखें गड़ाए खड़ी हो। छोड़े ना खाला, ये हमें दे दीजिए। खाला आप पूरा दिन कितना काम करती हैं, थोड़ा आराम किया कीजिए। आराम हमारे नसीब में कहां भी, हम अगर काम ना करें तो इस घर का पत्ता भी ना हिले। अब तो मरने के बाद ही चैन मिलेगा। और बताएं खाला, क्या चल रहा है मोहल्ले में? आपके नए पड़ोसी कैसे हैं? पता चला? कहां से हैं? घर में कौन कौन है? उस सबका तो हमें पता नहीं, लेकिन सुना है उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई। ओह, मतलब अब बिल्कुल अकेले हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन कल अपनी बेटी की फोटो के पीछे इतना हंगामा किया कि क्या बताऊं। आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही खाला, आपके नए पड़ोसी हैं तो जांच पड़ताल जरूरी है ना। मोहल्ले की छोड़ो, अपनी फिक्र करो। याद है ना तुम्हें, इतवार को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। अच्छा खानदान है और अच्छा लड़का भी। इस बार नाटक ना करना नईमा भी, वरना सारी जिंदगी कुआरी रह जाओगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबनम। भाई अगले हफ्ते उस्मान गली में इज्तिमा है, सोचा आपको भी खबर कर दूं। अच्छा है बता दी, हम आने की कोशिश करेंगे। अरे नईमा कैसी हो तुम, देखा आज तुम्हें पड़ोसी से बात करते हुए। अरे अच्छा आदमी नहीं है वो, दूर रहा करो जरा उससे। हाँ हमने भी देखा आपको कबाब परांठे ले जाते हुए, आप भी दूर रहें। कहीं बात पक्की हुई क्या नईमा की, या फिर सारी जिंदगी ऐसे कुवारी बिठा के रखेंगी? हाय उम्र बीती जा रही है भाभी, कुछ तो सोचिए। पहले आप अपनी शादी की फिक्र कीजिए आपा, हम तो आपसे 2 साल छोटे ही हैं। वैसे भी हमें तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं अगले संडे,
आपकी तरह पड़ोसियों को कबाब परांठे बनाकर रिझाने की कोशिश नहीं करते हम। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ क्या मतलब है कि हम इमरान साहब को रिझाने की कोशिश कर रहे थे? नसीमा भाभी समझा लीजिए अपनी बहन को, वहाँ खुलेआम पड़ोसी से कौन बात कर रहा था, ये या हम? चुप रहो शबनम, और हम अच्छी तरह जानते हैं कौन क्या कर रहा था। हम शराबियों के मुंह नहीं लगते, जाइए आप यहाँ से। समझ में नहीं आता तुम्हें? खबरदार जो शराबी की तरफ देखा भी, क्या हुलिया बना रखा है, तड़को अपना। 20 रुपए का एक कार्टन, यार कमाल कर रहे हैं आप। आपने पिछले हफ्ते हमसे 5 रुपए का खरीदा है, अब खरीदने के लिए 5 और बेचने का 20 क्यों मिया? हाँ तो मिया, आप कबाड़ बेचते हो और हम खरीदते हैं। अगर देखा जाए तो असली कबाड़ी बेचने वाला होता है, खरीदने वाला नहीं। मियां मुंह संभाल के बात करो, आप हमें कबाड़ी वाला कह रहे हैं? कबाड़ी वाले आप हैं कि हम? देखिए आप हमसे बहस मत कीजिए, आपको लेना है तो ले लीजिए। एक काम कीजिए ना, आपकी ना हमारी, 5.5 रुपए। क्या हो गया? चलो अब हमारे बारे में कोई पूछे तो बता दिया। नहीं हमारा मतलब मत बताइएगा, हम यहाँ छुप रहे प्लीज। अरे क्यों छुप रहे हो जमाल मियां? हमारा ये माजरा क्या है? हम आप यहाँ क्या बताएं, ये हमारा शागिर्द है मखमल लखनवी। अरे इसे हमने अपनी शायरियाँ दी थी पढ़ने की, जैसे ही इसने वो शायरी में पढ़ी बस इसके ऊपर जूते पड़ने लगे, हमारे खून का प्यासा हो रहा है ये। छुपा लो भैया छुपा लो। जनाब आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? जनाब लोग तो यहाँ बहुत आए गए, लेकिन कौन था, कैसा था? अजी पूछिए मत, निहायत ही जलील किस्म का चोर शायर है। जलील शायर? हाँ, शक्ल से ही धोखेबाज लगता है। वो एक बार मुझे मिल जाए ना तो बस मैं उसका सीधे टीटू अता बात हूँ। हाँ ये याद आया, एक ऐसा ही जलील आदमी हमने देखा तो था, यहाँ वहाँ गए हैं। शुक्रिया जनाब शुक्रिया, चलो जल्दी जाओ जल्दी। आ जाइए जलील मियाँ, चले गए। जमाल मियाँ जी शुक्रिया जनाब शुक्रिया। जनाब हमें तो आज पता चला आप तो बहुत ऊंचे शायर हैं, लोग आपके पीछे पीछे भागते। अरे जनाब अब शागिर्द ही कमजोर हो तो उसमें हम क्या करें? अरे हमने अच्छे अच्छों को शायर बना दिया है, कहें तो आपको भी शायर बना दे। ऐसे जूते खाने वाले, माफ कीजिए जनाब। अरे जनाब वो तो हमारी शायरी समझ नहीं पाए होंगे, वरना फूल बरसते हमारी शायरी पर फूल। वो तो मियां देख रहे थे हम फूल बरसते हैं के जूते। अम्मा मियां एक बार शायर तो बनिए फिर समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा ही। माफ कीजिए हमें। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, जलेबियां उधार रही अब आप। भाई हमसे तो सिर्फ शुक्रिया ही मिलेगा आपको, फिर देख लो। अरे भाई साहब आगे गली से लोगे या सीधा मेन रोड से? अरे मियां आगे वाली गली में तो बहुत ट्रैफिक है, हम तो मेन रोड से ही लेंगे। हाँ अशरफ मियां, इमरान बोल रहे हैं हम, बताइए। क्या मकान देने से मना क्यों कर दिया? अरे कल तो मान गए थे वो, हम एडवांस देके आए उनको। अरे तो जिनकी फैमिली नहीं होती उन्हें घर नहीं मिलते क्या? आपने बताया उनको हम स्कूल में टीचर हैं। अरे हमारी बीवी से क्या मतलब भाई किसी को, भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए मकान। भाई साहब मकान चाहिए आपको? अब तो ऐसा ही हो गया है भाई साहब, बैचलर्स को कोई भी अपना मकान नहीं देता भाड़े पे आजकल। भाई साहब आप थोड़ा ठीक से बैठिए ना। अशरफ साहब हम इमरान बोल रहे हैं, आपसे नाराज नहीं हो रहे थे बस परेशान हैं। देखिए ये मकान चला गया है आज से, हमें कोई दूसरा दिलवा दीजिए, हमें वहां से शिफ्ट करना है बस फौरन प्लीज। जी ए ऑटो रोको रोको ऑटो रोको, मारा 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 इधर बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको मारने की? हिम्मत कैसे हुई यार कट करने की? रोक बताता हूँ तुझे।
भाई साहब आप रोकिए ना इन्हें। अरे लेकिन बहन जी, समझ में तो आया हमें मामला। क्यों, सारे मजे तू अकेले करना चाहता है क्या? जा रही थी आप। जी वो बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी। चलिए हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। देखिए कोई भरोसा नहीं है ऐसे आदमियों का, ये वापस आ गया तो खामखा में परेशानी होगी। हम छोड़ देंगे आपको, चलो। भाई माँ, टीवी बंद करो, हमारे नौशे भाई आते होंगे। अरे बाजी, ये चल ही नहीं रहा, हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। और ये सबा, ये भी अभी कॉलेज से नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। सबा, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मालूम है? अरे खाला, आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, इसलिए हम लेट हो गए। वेलकम द न्यू मॉल इन द टाउन। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा मॉल है, तो क्या आप रेडी है? या अल्लाह, ये तो हमें जींस और टॉप में। सबा, तुम मॉल गई थी? खाला चल, जल्दी चेंज करो, हम भी देख लेंगे जल्दी। अल्लाह सबा, हाँ तो सर प्रसर चल रही है तुम दोनों के बीच। टीवी पर क्या न्यूज़ है? हम भी तो देखें। अम्मी, 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 अम्मी भूख लगी है। अरे पहले हमारी गर्दन तो छोड़ो, देते हैं खाना। अम्मी छोटी अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारे स्कूल गई है, फीस भरने। पता नहीं कहाँ रह गए। तुम्हारे अब्बू वापस ना आ जाए उसके आने से पहले। अच्छा छोड़ो ना हमारी गर्दन, सब ठीक से खड़ी हो। हाँ। पर तुम्हारी जैसी आना। बाजी, बाजी स्कूल फीस भरने में इतना टाइम लगता है क्या? हमें तो लगता है कि वो कहीं घूमने निकल गई है। वो तौबा करो, छोटी दुल्हन ऐसी नहीं है, वो दरगाह के अलावा कहीं नहीं जाती। बड़ी दुल्हन खाने में क्या पकेगा? छोटी दुल्हन है नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। कुछ भी बना ले, कुछ भी। हमें क्या, खिचड़ी बना के धर देंगे। बाजी, रहमत खाला मरियम की साइड क्यों लेती है हमेशा? तौसीफ की चहेती थी ना, कभी उन्हें पैसे दे दिया करता था, कभी कपड़े दे दिया करता था, सर पे चढ़ा कर रखा हुआ था। सबा, आज तो तुम बच गई कसम से। अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज तो हम मर ही जाते। अम्मी का ध्यान बटाना हो ना तो बस छोटी अम्मी की बात कर लो। हमारे नए पड़ोसी ने तौसीफ की जगह ली। तौसीफ की जगह मरना है क्या? अरे मुआ शराबी है, और वैसे भी इन शराबियों को तमीज होती कहाँ है जो बच्ची से ढंग से बात करेगा। अरे इसीलिए तो इसकी बीवी से छोड़ के चली गई है। आपकी अम्मी ने कोई तमीज नहीं सिखाई? आप हमारी अम्मी के बारे में मत बोलिएगा। इमरान साहब, राज आपकी इस हरकत को देख कर हमें सच में लगने लगा है कि आप भी अपनी बच्ची के कातिल। हमारा भांजा कातिल नहीं है। हम कहीं भी चले जाए यहाँ लगे नहीं। जहाँ तक मकान का ताल्लुक है हम देख चुके हैं। एडवांस दे के आए, अगले इतवार को वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। आप तैयारी कीजिए जाने की। जी शुक्रिया। आदाब। सुनिए, आप मत जाइए। अगर आप हमारा मोहल्ला हमारी और नजमा की वजह से छोड़ रहे हैं तो
तो मत जाइए। हम जानते हैं उस दिन हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, पर वो ममता में बहकर कह दिया था और हम बहुत शर्मिंदा हैं उसके लिए। और नजमा आपको परेशान नहीं करना चाहती, उस मासूम को बस समझ में नहीं आता कि वो कब क्या करे। वो उस दिन उसे वो तस्वीर सड़क पर मिली तो वो उसने फ्रेम करवा दी। आप पर तरस नहीं खा रही थी, वो तो बस अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। आप हमारी वजह से घर छोड़कर मत जाइए। हम वादा करते हैं कि नजमा आइंदा से आपकी खिड़की की तरफ झांकेगी भी नहीं। छोटी अम्मी स्कूल में, वो भी नए पड़ोसी के साथ।